एक से भले दो से भले तीन, ये कहावत तो हमने सुनी है, लेकिन ये कहावत लगता है कि अब सच होने वाली है। एक से भले दो तो हो चुके हैं, राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी आ चुकी है, लेकिन दो से भले तीन भी होने वाले हैं, मतलब कि प्रियंका गांधी जी का लड़का रायहान वाद्रा भी आने वाला है। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि रायहान वाद्रा जो प्रियंका गांधी जी के लड़के है, उनको पॉलिटिक्स में लॉन्च, ऑलमोस्ट ऐसा कहूं कि सॉफ्ट लॉन्च राहुल गांधी जी ने कर दिया है। हाल ही में आप देखोगे तो राहुल गांधी जी अपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, जिसमें वो गरीबों से मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं, गैराज वाले लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। तो ये बार दिवाली में राहुल गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोग को मिले जो कि हमारी दिवाली को दिवाली बनाते हैं, मतलब कि दिवाली में जो दिवाली के सामान बेचते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी दिवाली के सामान बेचने वाले लोगों से मिले, उसमें वो रायहान वाद्रा को भी ले गए। अब मैं बता दूं कि रायहान वाद्रा, उनको रायहान वाद्रा गांधी भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ कि रायहान वाद्रा गांधी, वैसे तो रायहान वाद्रा ही होना चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी जी की शादी रॉबर्ट वाद्रा से हुई है। अब मैं ये कह दूं कि जब तक ये गांधी जो सरनेम में वो नहीं लगता ना, तब तक वोट नहीं आते, ठीक है। ये गांधी सरनेम लगना बहुत जरूरी है। अगर रायहान वाद्रा के नाम पे कोई वोट मांगेगा तो बहुत मुश्किल है वोट मिलना, लेकिन रायहान गांधी, अगर ये गांधी सरनेम जब लग जाती है ना, तब वोट आते हैं। और इसीलिए कुछ भी करके गांधी सरनेम होनी चाहिए, या तो रायहान राजीव गांधी ये नाम भी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन गांधी सरनेम तो रायहान के आगे जरूर होगी। अब जो रायहान है, वैसे तो वो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि रायहान को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, या तो वो आना चाहते हैं या तो उनको लाया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो है उसमें तो वो बहुत ही नर्वस दिखाए गए। लेकिन मैं बता दूं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई इंसान नर्वस है, ये बताता है कि वो अपने काम के प्रति वफादार रहेगा, वो थोड़ा सा सीरियस रहेगा, वो इम्प्रूवमेंट करता रहेगा, वो समय के साथ बदलता रहेगा। ये जो रायहान गांधी है, उनको गांधी फैमिली को आगे बढ़ाना है अब, इसीलिए स्लोली स्लोली प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने रायहान गांधी को आगे बढ़ाना चालू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि रायहान वाद्रा गांधी जब वायनाड का प्रियंका गांधी जी नॉमिनेशन फॉर्म भर रही थी, वायनाड से लड़ने जा रही थी, तब भी रायहान गांधी अपनी मम्मी जी के साथ थे। तो आप इसी से सोच सकते हो कि रायहान का पॉलिटिक्स में आना ऑलमोस्ट पक्का है, आज या तो कल पॉलिटिक्स में वो आने वाले हैं, इसीलिए उनको बार बार पब्लिक में दिखाया जा रहा है। अभी तक उनको कोई पॉलिटिकल स्पीच या ऐसा कुछ देते हुए देखा नहीं गया, लेकिन वो स्लोली स्लोली अपीयर हो रहे पब्लिक में, जिससे कि एक उनकी इमेज बनी रहे और जब वो पॉलिटिक्स में आए तब लोग उनको एज अ गांधी फैमिली एक्सेप्ट करने लगे। जब राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में आए थे तो राहुल गांधी जी भी बहुत ही शांत थे, बहुत ही शर्मीले थे, लेकिन वो जैसे जैसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़े वैसे वैसे उन्होंने इम्प्रूवमेंट की। अब रायहान वाद्रा जो है, उनकी भी पॉलिटिक्स में जब एंट्री होगी, अभी तो वो छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब भी वो पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तब उनकी स्पीच से ही पता चलेगा कि उनमें कितना दम है। आगे मैं ये भी बता दूं कि अभी क्यों रायहान गांधी को पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया गया, इसके पीछे एक रीजन है, वो है कांग्रेस पे जो ठप्पा लगा है परिवारवाद का। कांग्रेस नहीं चाहती कि अभी अभी कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत हुई है, विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है, उस पे मोदी सरकार हमला बोले। अगर रायहान वाद्रा गांधी अभी पॉलिटिक्स में आते हैं तो बीजेपी के पास एक और मुद्दा हो जाएगा कांग्रेस पे अटैक करने के लिए, कि देखो कांग्रेस में कितना परिवारवाद है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी की बहन जो है वो भी पार्लियामेंट में आ रही है, जो कि मैं कह दूं कि प्रियंका गांधी जी पहली बार लोकसभा में पार्लियामेंट में आ रही है। अब वायनाड का इलेक्शन 13 नवंबर को होगा, 3 नवंबर को वापस प्रियंका गांधी जी रैली करेगी। अब रैली में भीड़ देख के तो यही लग रहा है कि वायनाड में प्रियंका गांधी जी ही जीतेगी, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि लेफ्ट और बीजेपी का उम्मीदवार भी वहां पे कम मजबूत नहीं है। अब आगे मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो इमेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए जब वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा कि लोगों को राहुल गांधी जी ज्यादा पसंद है वायनाड में। लेकिन मैं ये बता दूं, जो भी जीतेगा वो गांधी फैमिली को और मजबूत करेगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि गांधी फैमिली से जितने लोग पार्लियामेंट में होंगे उतना ही फैमिली मजबूत होगी और उतनी ही उनकी पॉलिटिकल पकड़ मजबूत होगी। इसीलिए बीजेपी चाहती है
कि गांधी फैमिली और मजबूत ना हो, क्योंकि गांधी फैमिली से पहले से ही लोगों को सिंपैथी है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश के लिए जान दी, और गांधी फैमिली पे एक और टैग लगा है कि उन्होंने फ्रीडम दिलाया है। इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि गांधी फैमिली और मजबूत हो और आगे आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को प्रॉब्लम करे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।